हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में और हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक अच्छे वायरलेस माउस के बारे में जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है और आपके लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगा। तो वो कौन सा माउस है, क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, सारा कुछ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो पर अगर पहली बार आए हैं तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी इनेबल कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पूरा डीपली एक्सप्लेन करता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। सो दोस्तों, मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। ये माउस है लेनेवो 300 वायरलेस कम्पैक्ट माउस। ठीक है, तो इसमें 1000 dpi का ऑप्टिकल सेंसर आपको मिलता है, ये लेनेवो का है। देख लीजिए इसका इंटरफेस इस तरह का है। तो माउस तो काफ़ी मस्त है, मैं इसको अभी यूज कर रहा हूँ और उसी से अभी ये कंप्यूटर को ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इसमें देखिए आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो ये 2.2 GHz वायरलेस नैनो USB इसमें, ठीक है। 10 mm रेंज है इसकी, 10 मीटर की रेंज है, और 3 बटन दिए हैं इसमें, लेफ्ट राइट स्क्रॉल और अप टू 3 mm लेफ्ट राइट क्लिक। और इसमें आपको 1 ईयर की बैटरी मिल रही है, तो इसमें 1 ईयर की आपको बैटरी मिल जाएगी। और अपन इसमें और देख लेते हैं इसमें आपको क्या क्या, जिसमें इसके क्या स्पेशल फीचर्स हैं। तो पहले इसका इंटरफेस देख लीजिए, साइड से लुक वाइज ऐसा लगता है, और टॉप से अगर आप देखेंगे तो देखिए टॉप से कुछ इस तरह का ही आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट से ऐसा दिखेगा और बैक से कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें देखिए जो जो बटन दी हुई है, जिसकी बटन है ये जो है इसकी बटन है, जिससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अपन इसका डीप डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है अपन को। तो ब्रांड तो मैंने जैसे आपको बता दिया लेनेवो का है। मैन्युफैक्चर इसको किया है भाई ये नंबर 30 थाउंगा रोड, कोई एड्रेस लिखा हुआ है ना, फुशन फ्री ट्रेड जोन एंड सैन जोन चाइना। तो चाइना का ही है, आपको पता है कि भाई लेनेवो जो है चाइना का ही ब्रांड है, तो ये चाइना का ही होगा। ठीक है, अब सीरीज की बात की जाए तो 300 सीरीज है, और इसका जो कलर है ब्लैक है वो तो दिख ही रहा है। और आइटम की हाइट की बात की जाए तो 32 mm है, विथ की बात की जाए तो 3.98 cm है। इसके अलावा अगर इसमें हम बैटरीज की बात करें तो 1 AA बैटरी रिक्वायर्ड है। एंड आइटम मॉडल नंबर आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे दिया हुआ है। एंड पावर हाउस जो बात करें, पावर सोर्स जो दिया है वो है बैटरी पावर्ड बाय क्लॉक एंड इलेक्ट्रॉनिक। हार्डवेयर प्लेटफॉर्म इसका सीधी बात है PC में होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 10। एवरेज बैटरी लाइफ जो है इसकी 18 मंथ है। तो बैटरी भाई जो इसके साथ आएगी उसकी मतलब जो एक रेंज बताइए 18 मंथ इसकी बैटरी लाइफ रहेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 1 साल तो कम से कम जो ऊपर ही मैं चाहिए 1 साल तो ये चलेगी है ना। और बैटरी इंक्लूड और लिथियम बैटरी एनर्जी कंटेंट 45 वाट आवर्स, और लिथियम बैटरी वेट है 1 ग्राम का। ओके, नंबर ऑफ लिथियम लोइन जेल्स 1, ये तो फालतू चीज़ें लिखी हैं, ये काम की नहीं है। तो कंट्री ओरिजिन इसका चाइना है जो बता चुका हूँ, और इंपोर्टेड बाय लेनेवो। और आइटम का वेट जो है 60 ग्राम है। तो माउस का जो वजन होने वाला है वो आपको 60 ग्राम्स का होगा। ठीक है, तो कोई ज़्यादा वजन नहीं है, लाइट वेट ही है। और ओवरऑल इसकी रेटिंग की बात की जाए तो आउट ऑफ 5 ये 4.4 है आउट ऑफ 5। ठीक है, तो 5 में से इसे 4.4 की रेटिंग मिली है, और ये लगभग अभी आज से 7 साल पहले लॉन्च हुआ था। तो फर्स्ट जो इसका अवेलेबल हुआ था वो 13 जून 2016 में ये आया था, लगभग 7 साल के आसपास हो चुके हैं इसको। तो माउस की बात की जाए तो रेटिंग के मामले में भी माउस सही है, और मैं यूज कर रहा हूँ इस हिसाब से मुझे भी मतलब काफ़ी ईजी लगता है इसको चलाना। स्पीड को भी आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, बटन वगैरह भी काफ़ी स्मूथ है, तो काफ़ी रन मतलब स्मूथली रन करता है। अब इसकी ये मतलब डोंगल वाला है, तो आपको यहाँ पे मतलब विदाउट डोंगल वाला है तो कोई USB वगैरह भी इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो माउस काफ़ी दमदार है, और आप माउस को अगर आपके हाथ में लेके फील करेंगे तो आपको एक मतलब प्रीमियम माउस फील होगा। तो माउस काफ़ी अच्छा है क्वालिटी वाइज भी, और परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी अच्छा है। तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, तो बढ़िया वायरलेस माउस है। अगर आप कोई माउस प्रेफर कर रहे हैं लेने के लिए, या आप देख रहे हैं कोई माउस
ऐसा वायरलेस माउस चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो इसमें आपको एक ये ब्लूटूथ डोंगल मिलेगा जो कि आपको आपको लैपटॉप या पीसी में इंसर्ट करना होगा और फिर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो, जो वीडियो में मैंने रिव्यू बताया है लेने में माउस का, वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।